आग का तांडव तो देखिए, जिसे काबू पाने में 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 12 थानों की पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटना पड़ा, लेकिन फिर भी 6 जिंदगियों को बचाया ना जा सका और 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दिल दहला देने वाला ये हादसा फिरोजाबाद के जसराना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के ऊपर बने घर में मौजूद परिवार आग में ही फंस गया और आग की चपेट में आकर घर में मौजूद 6 लोगों की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो, लेकिन आग का विकराल रूप देख आगरा, मैनपुरी, एटा से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हैरानी की बात तो यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 थानों की पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता तत्काल रूप से देने का भी निर्देश जारी किया है। हमारा थाना पड़ता है, उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 2-3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया भी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है। थोड़ा कंजेस्टेड था यहाँ पे एरिया पूरा और जिसमें काफ़ी हम लोग को मशक्कत करनी पड़ी, बट अभी हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि एसर्टेन कर रहे हैं कि कोई और इसमें ना फंसा हो और इसमें अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग लगने की सूचना पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, बल्कि आसपास के इलाकों से भी मदद ली गई, बावजूद इसके 6 लोगों की जान को बचाया नहीं जा सका। लेकिन यह हादसा इतना डरावना था कि पड़ोस में रहने वाले लोग भी सहम गए हैं। वीके न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वीके न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।